चलने दें, आएगा अप्पू म्यौन। म्यौन का मतलब क्या हो गया? इफ, अगर, अगर बच्चे को दर्द है, क्या है? पेन है, सोगवा, सोआगवा, सोआगवा हमने अभी पढ़ा ना, ये देखें मेन स्क्रीन पे देखें, सोआगवा बच्चों का क्लिनिक, तो कहां पे लेके जाएं उसको? सोआगवा ए खा बूसेयो, खा बूसेयो, खा बूसेयो क्या चीज होती है? ये भी बड़ी सिंपल चीज है लेकिन गौर करें मेरे, खादा का मतलब क्या होता है? जाना। बोधा का मतलब क्या होता है? देखना। तो खा बोधा का मतलब क्या होगा? जाकर देखना, जाकर देखना, जाकर देखिए। अगर बच्चे को ज्यादा पेन है तो स्वागवा में जाके देखिए। हमारे यहां भी कहते हैं कि नहीं कहते? मैं अगर ये कहूं अलीम आपने कभी क्रिकेट खेली है तो मैं आपको क्या करूंगा? कहूंगा खेल के देखिए। अगर नहीं खेली तो क्या करें? खेल के देखिए। तो उसका बाम आपका मतलब क्या बनेगा? ट्राई करके देखिए, ट्राई करके देखिए। अच्छा मैं अगर आपको ये बोलूं कि आपने कभी टीचिंग करके देखी है, आप कहेंगे नहीं। मैं आपको कहूंगा ट्राई करके देखिए, टीचिंग करके देखिए। तो खाबू से हो का मतलब बाम आपका क्या बनेगा? कि आप भी जाकर देखिए, ट्राई कीजिए। ये यहां पर नहीं, यहां पर जाके देखिए ही होगा, लेकिन बाज जगहों पे हे भूसे हो, खा भूसे हो, इसका मतलब है ट्राई करना। ठीक है, ओके। दोबारा पढ़ता हूं, आएगा ओजे बुद्ध हो योरी मानी ना हो, बच्चे को कल से बोध बुहार है। योरी मानी ना हो, बोध बुहार है। तो दूसरा क्या कह रहा है? ना आएगा अप्पू म्यौन, अगर बच्चे को दर्द है स्वागवाए खा भूसे हो, तो कहां पे जाके देखिए? बच्चों के क्लिनिक जाकर। हाँ, नंबर टू, खमगिए खोलियो सोयो। पहला बंदा क्या कह रहा है? खमगी है खोलियो सोयो का मतलब क्या होगा? ठंड लग जाना। कल हमने पढ़ा था जिसमें नजला, जुकाम, बुखार सब कुछ होता है, सर्दी चढ़ जाना, हम क्या बोलते हैं? सर्दी लग गई है। क्या हो गई है? सर्दी लग गई है, यानी कि उसको नजला भी हो सकता है, जुकाम भी हो सकता है, खांसी भी हो सकती है। ऐसे ही है ना, जैसे हम जिसके लिए पेनाडोल देते हैं, आप क्या देते हैं? पेनाडोल देते हैं। तो खमगी है खोलियो सोयो, मैं जो है, मुझे क्या हो गया? सर्दी लग गई है। तो दूसरा बंदा क्या कह रहा है? यागुल मोगुम्यान, मुक्दा। ये देखिए मेन स्क्रीन पे देखिए, मुक्दा है ना, मुक्दा। तो मुक्दा का दा हटा दिया, तो अब इसके साथ हमने अगर लगाना कि अगर खाएं तो, अगर वाला सेंटेंस बनाना है तो इसके साथ हमने म्यौन या उम्यौन लगाना पड़ेगा। तो यहां पे चूंकि फाछिम है तो क्या लगेगा? गुड, उम्यौन। क्या लगेगा? उम्यौन, मोगुम्यान, यागुल मोगुम्यान। अगर आप दवाई मेडिसिन खाएं तो खेंचन आजिल को ये ओ, खेंचन आदा, खेंचन, खेंचन था, क्या होता है? खेंचन था का मतलब क्या होता है? ओके, इट्स ओके, ओके है ना। तो इसको आयो और ओयो के साथ सेंटेंस में, तो क्या अब आयो लगेगा या ओयो लगेगा? फाचे लास्ट वाला वावल कौन सा लगा हुआ है? लास्ट वावल आयो होगा ना, खेंचन आयो, क्या बनेगा? तो खेंचन आयो से खेंचन आ जिल को ये यो, ये फ्यूचर है थोड़ा सा, ये ग्रामर आपने पढ़ी हुई नहीं है, लेकिन थोड़ा सा खेंचन आजिल, खेंचन तक मतलब इट्स ओके। और ये जो जी लगा ना नीचे जी, तो एक मतलब है कि ओके हो जाना, एक होता है इट्स ओके और एक है कि ठीक हो जाएंगे। ये पैसिव सेंटेंस है, क्या है? पैसिव सेंटेंस। समझ आ गई मेरी बात की? इट्स, देखें खेंचन आयो का मतलब है कि इट्स ओके, इट्स ओके, लेकिन हम जब किसी को बोले कि ओके हो जाएंगे, ओके हो जाएगा, ये मेडिसिन ले आप ठीक हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। तो खेंचन हा जिल को ये यो, कि आप ठीक हो जाएंगे, आप क्या हो जाएंगे? ठीक हो जाएंगे। वैसे खेंचन का मतलब क्या होता है? खेंचन आयो, ठीक है, ठीक है, सिंपल होता है ना। तो किसी को जब आप बोले कि आप ठीक हो जाएंगे, ठीक हो जाना पैसिव सेंटेंस है, पैसिव वाइज, थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड है अगर आपको पैसिव सेंटेंस की डेफिनेशन का नहीं पता। यागुल मोगुम्यान खेंचना जिल को यो, अगर आप दवाई खाएंगे तो आप क्या हो जाएंगे? ठीक हो जाएंगे। योगी याक्त से यो, योगी, योगी यहां याक्त से यो, दवाई थी से यो, लीजिए खाइए। तो योगी का मतलब यहां होता है, लेकिन बाम अवरा के मतलब, ये देखें मुझसे आके, ये ऐसे में याक्सा के साथ आके कोई पेशेंट बोल रहा है मेडिकल स्टोर पे, कोई बंदा आके उसको कह रहा है कि खमगी खोलियो सोयो, कि मुझे क्या हो गया है? सर्दी लग गई है। तो दूसरा बंदा क्या कह रहा है? यागुल मोगुम्यान खेंचना झील को यो, कि अगर आप मेडिसिन खाएंगे तो क्या हो जाएंगे? ठीक हो जाएंगे। योगी याक्त से यो, यहां पर दवाई खाइए, लफ्जी मतलब ये बनता है ना।
तो योगी से मुराद ये कि वो उसको दवाई दे रहा है, ये लें, ठीक है ना। योगी का लफ्ज मतलब यहां होता है, योगी की जगह ई भी लगा सकता था, ई यागल थिसे हो, लफ्जी मतलब अगर ई भी लगा सकता था, तो योगी की वजह से आपने ज्यादा परेशान नहीं होना, ठीक है। योगी याक थिसे हो, ये दवाई लीजिए या ये दवाई खाइए। थुदा का मतलब लफ्जी मतलब होता है खाना, लेकिन जब आप किसी को रिस्पेक्ट के साथ बोलते हैं तो तब थुदा का मतलब क्या होता है, नोश फरमाना। कल मैंने आपको बताया था, तो लीजिए, लीजिए का देखे ना, जब हसनैन आप भी जब मेडिकल स्टोर पे दवाई देते हैं तो आप ये भी बोल सकते हैं कि ये दवाई खाइए सुबह शाम लीजिए। आप क्या बोलते हैं, सुबह शाम लीजिए, तो लीजिए से मुराद हाथ में लीजिए वाली बात नहीं होती, बल्कि कहां पे लीजिए, मुंह में लीजिए वाली बात हो रही है ना, अंडरस्टैंड। अच्छा, नंबर थ्री, सामोशिल ई छुमने हो, सामोशिल, सामोशिल किसको बोलते हैं, ऑफिस को, सामोशिल किसको बोलते हैं, ऑफिस को। छुपता एक हमने वर्ड पढ़ा था, छुपता, इसका मतलब क्या होता है, सर्दी, ठंड, छुओ हो, छुपता से हमने क्या पढ़ा था जब इसको सेंटेंस में इस्तेमाल किया था, नलशी वाले मौसम में पढ़ा था ना, छुओ हो, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। और गर्मी को क्या बोलते हैं, सात साल प्रैक्टिस में ना उसका वाइस वर्सा भी दूसरा भी देख लिया करें, थोपदा, थोपदा नहीं, थोपदा, क्या, थोपदा। तो थोपदा को सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल करेंगे, थोवो हो, थोपदा से थोवो हो, छुपता से छोयो, नहीं छुओ हो। अलीम आप जो है ना काशिफ, इसको ये वावल जो ऊ है ना, इसको सही तरह से प्रोनाउंस किया करें, ये ऊ होता है, छुओ हो, छो हो, नहीं, ठीक है, छुपता से छुओ हो, थोपता से थोवो हो। अच्छा, अब हम देखते हैं छुपता, छुपता का ये देखें, इसके साथ ग्रामर हमने एक पढ़ी थी नेयो वाली, दा अटाके नेयो, तो ये एक्सप्रेशन है जब आप हैरान होके किसी के हैरत का अंदाजा करें, सामोशी छुमने हो कि ऑफिस में, ऑफिस में तो सर्दी है, ऑफिस में क्या है, सर्दी है, थोड़ा एक्सप्रेशन के साथ। दूसरा बंदा क्या करे, छू म्योन, छू म्योन। अब ये देखें, यहां पे देखें, छुपदा का मैंने आपको क्या बोला था कि वावल बीओ किस में चेंज हो जाता है, ऊ में, पहले जो ऊ में चेंज होता है बाद में वो आयो और ओयो होगा फिर वो में चेंज होगा, लेकिन बेसिकली ये ऊ में चेंज होता है। बीओ किस में चेंज होता है, ऊ में चेंज होता है ना, बीओ, यहां पे हमने आयो और ओयो वाला सेंटेंस नहीं बनाना, छू के साथ हमने क्या लगाना है, खाचिम नहीं है तो म्योन लगाना है, अगर सर्दी है तो, इसका मतलब क्या बनेगा, समझ आई कि नहीं आई, बीओ को ऊ में चेंज करके छू म्योन, अगर सर्दी है तो, पहले बंदे ने कहा ना जी ऑफिस में तो सर्दी है, तो दूसरे बंदे क्या कह रहे हैं, छू म्योन, अगर सर्दी है तो। मून किसको बोलते हैं, दरवाजे को, छंग मून विंडो को बोलते हैं, मून किसको बोलते हैं, दरवाजे को बोलते हैं ना, मूनुल दरवाजे को था दूरा। एक हमने क्या पढ़ा था, थत्ता, सॉरी थत्ता पढ़ा था, क्या पढ़ा था, थत्ता का मतलब क्या होता है, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, क्लोज करना, बंद करना, ये शायद ना पढ़ा हो, दोनों वर्ड्स लिख लें, वो खकपता होता है, खकपता, वो खकपता वो खकपता है। अच्छा, ये दोनों वर्ड्स लिख लें, थत्ता का मतलब होता है क्लोज, बंद करना, शट डाउन, क्या बोलते हैं इसको, शट डाउन भी बोलते हैं इसको, और योल्दा का मतलब क्या होता है, ओपन, क्या ओपन करना, खिड़की खोलना, छेगल यो, योरु से हमने पढ़ा था, अच्छा वो फ्यो से वो अलग था, वहां पे नहीं इस्तेमाल होगा, ओपन, योल्दा का मतलब क्या होता है, किसी चीज को ओपन करना, खोलना, और थत्ता का मतलब क्या होता है, क्लोज करना, ये लिख लें, लिख लिया। अच्छा, थत्ता के साथ ग्रामर कौन सी लगी हुई है, रियल कायो और उल कायो वाली हमने ग्रामर पढ़ी थी, फाचिम होगा तो उल कायो होगा, फाचिम नहीं होगा तो खाली रियल कायो, जहां पे फाचिम है ना, फाचिम है तो था दिल कायो, कायो वाली ग्रामर कहां पे इस्तेमाल करते हैं हम, शुड, क्या मुझे ये करना चाहिए, क्या मुझे वो करना चाहिए, जब ये, और ये हमेशा सवाल या फिक्र में इस्तेमाल होता है, जब आप किसी बंदे से उसकी क्या लेते हैं, ओपिनियन लेते हैं या उससे उसकी राय पूछते हैं या इजाजत लेते हैं, ठीक है। अच्छा, छू म्योन, अगर सर्दी है तो मूनुल थादिल कायो, दरवाजा बंद करना चाहिए या मैं दरवाजा बंद कर लूं, नहीं समझे, नहीं समझे, समझ आ गई। हाँ, अब मैं दोबारा पढ़ता हूं इसको, सामोशिली छुमने हो, दरवाजा ऑफिस में क्या है, सर्दी है, छुपता से छुमने हो, इसको छुपने हो नहीं बोलेंगे, बीओ पर नियन इकट्ठे हो गए तो क्या पढ़ा जाएगा,
मीम पढ़ा जाता है बे और नून। मैंने